students, welcome back to my channel. In the previous video, we had discussed about the different ions, atoms and molecules also. Now we are discussing today about the chemical formula. How can you write the chemical formula? तो हमने cation और anion के बहुत सारे examples लिए थे, जिसमें हमने polyatomic ions के भी examples लिए थे. So उनसे related केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं. तो जब तक आप वो आयंस वाली टेबल याद नहीं करेंगे, तब तक आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा. तो यू हैव टू लर्न द आयंस एंड देयर वैलेंसी आल्सो. अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी यू हैव टू लर्न द आयंस. और आयन कितने टाइप के होते हैं? केटायन एंड एनायन. तो केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट कर क्या बना लेते हैं? वो आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं. तो हम बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. तो सिंपल से, सबसे सिंपलेस्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. इट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस मेथड ऑल्सो. मतलब आपको क्या करना है? वैलेंसी को आपस में एक्सचेंज करना है और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. सबसे पहले मैं लिखती हूँ आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको अगर मान लीजिए दिया हुआ है और आपको फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन इज एच प्लस, क्लोराइड इज सी एल माइनस. अगर वो टेबल याद है आपको तो यू कैन राइट. तो इसकी वैलेंसी है प्लस वन, इसकी वैलेंसी है माइनस वन. तो यहां पर वन एंड वन दोनों की वैलेंसी वन है, तो इसको आपको लिखना होता है एच वन सी एल वन. और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए एच सी एल. इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूं सोडियम, सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं. सोडियम सल्फाइड, सोडियम उस टेबल में से देख के बताएं आप. सोडियम इज एन ए प्लस वन एंड सल्फाइड इज एस टू माइनस. तो हमें वैलेंसी को क्या करना है? क्रॉस करना है. सल्फर की वैलेंसी माइनस टू है, सोडियम की वैलेंसी प्लस वन है. विदाउट देयर प्लस माइनस सिंबल वी हैव टू क्रॉस द वैलेंसी. तो सोडियम की वैलेंसी यहां लिखनी है सल्फर के लिए, सल्फर की वैलेंसी यहां लिखनी है इट इज टू. तो इसको आपने इस तरह से लिखना है एन ए टू एस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फाइड. तो टेबल यूज करते हुए आपको लिखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो मैग्नीशियम उस टेबल में हम देखेंगे तो मैग्नीशियम इज प्लस टू एंड नाइट्रेट इज एनओ थ्री माइनस. एनओ थ्री माइनस ये क्या है? पॉली एटोमिक आयन का एग्जाम्पल था हमारे पास. नाउ मैग्नीशियम की वैलेंसी यहां लिखिए, इसकी वैलेंसी यहां लिखिए. अब कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को? एम जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस. होल क्यों लगाया? क्योंकि इस पूरे के ऊपर टू लगाना है आपको. तो आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए और टू लगा दीजिए यहां पर. तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम एसिटेट. टेबल में हम देखकर लिखे तो कैल्शियम इज प्लस टू, एसिटेट इज पॉली एटोमिक आयन सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस वन. तो हमें क्या करना है? इसकी वैलेंसी यहां रखिए और इसकी वैलेंसी यहां रखिए. तो फॉर्मूला बिकम सी ए सी एच थ्री सी ओ ओ होल ट्वाइस. होल क्यों लगाया? क्योंकि पूरे एसिटेट पर हमें टू लगाना है. तो कैल्शियम एसिटेट इज द फॉर्मूला. नाउ नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट, जिंक इज जेड एन टू प्लस, सल्फेट इज एसओ फोर टू माइनस. तो इसकी वैलेंसी यहां रखिए और इसकी वैलेंसी यहां रखिए, जेड एन टू एसओ फोर होल ट्वाइस. अगर दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो आप उनको हटा भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो क्या फॉर्मूला हो गया? जेड एन एसओ फोर, जिंक सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जैसे कि आयरन, आयरन ब्रोमाइड. आयरन ब्रोमाइड, आयरन की दो वैलेंसी थी तो यहां पर वैलेंसी गिवन होगी आपको. जैसे कि टू दे दिया है यहां पर आयरन टू ब्रोमाइड. तो आयरन इज प्लस टू एफ ई टू प्लस एंड ब्रोमाइड इज बी आर माइनस वन. यहां पर टू रखिए, यहां पर वन रखिए. देन द फॉर्मूला बिकम्स एफ ई बी आर टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जैसे कि आपको दे रखा था अमोनियम. अमोनियम, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट. अमोनियम इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक आयन, फॉस्फेट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक आयन. टेबल में से देखकर हम लिखें तो अमोनियम इज एन एच फोर प्लस वन,
फॉस्फेट इज PO4 3-. इसकी वैलेंसी यहां रखिए, इसकी वैलेंसी यहां, तो ये NH4 4 PO4. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम फॉस्फेट. सो इन दिस वे अगर आपको नाम दे रखा है, फॉर्मूला लिखना है, तो आप यूज कर सकते हैं ये ट्रिक. अभी तक हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था नाम, हमें फॉर्मूला लिखना था. अब क्या हो अगर इसका उल्टा दिया हुआ हो तो क्या करें हम? अगर हमें फॉर्मूला दिया हो और नाम लिखना हो तो भी सेम प्रोसेस है. जैसे कि मैं यहां पर लिख देती हूँ Na2SO4. Na सोडियम, SO4 इज सल्फेट. अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली लिख सकते हो. इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट. नेक्स्ट मैं यहां लिखती हूँ MgO. Mg इज मैग्नीशियम, O इज ऑक्साइड, सो द नेम विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट इज जैसे कि मैं लिखती हूँ यहां पर जिंक Cl2, ZnCl2. इसका नाम लिखना आपको, तो दिस इज जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड. तो आप टेबल याद कर लेंगे तो बहुत इजी होगा आपको. नेक्स्ट मैं लिखती हूँ जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने यहां पर, और NO3 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम नाइट्रेट. दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इट इज नाइट्रेट. अब मैंने यहां लिख दिया FeSO4. Fe इज द सिंबल फॉर आयरन, SO4 इज फॉर सल्फेट, सो इट्स नेम विल बी आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट. नेक्स्ट इज अच्छा है, इसमें ये भी आपको याद रखना है, यहाँ फर्स्ट लेटर जो है आपके कैपिटल होना चाहिए, इसका भी कैपिटल होना चाहिए. नेक्स्ट इज जैसे कि मैं यहां लिख दू NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड. तो दीज आर द फॉर्मूला, दोज आर गिवन टू यू, और उनका आपने नाम लिखा है. तो सेम प्रोसेस है, आपको लर्न तो वही टेबल ही करनी पड़ेगी, उसी से आप बना पाएंगे सारे फॉर्मूला. उसके बाद मैं लिख देती हूँ जैसे कैल्शियम CaO, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड. यहां पर मैं अगर CaS कर दू तो कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड. सो इन दिस वे यू कैन राइट द नेम्स एज वेल एज यू कैन राइट द फॉर्मूलाज ऑल्सो. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे दो टाइप के, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि O2, N2, H2, Cl2, ये सब. उसमें हमने एटॉमिसिटी भी डिस्कस किया था. उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि H2O, CO2, NH3, ये सब. तो अब हमें क्या करना है, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस याद करने होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से. तो अगर आप एटॉमिक मासेस याद कर लेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ एक टेबल लिखी है, हाइड्रोजन 1, कार्बन इज 12, एटॉमिक मास गिवन है, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, क्लोरीन इज 35.5, कैल्शियम इज 40. सो इस टेबल को यूज करते हुए मैं यहां पर आपको बताती हूँ. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले H2O, H2O इज वॉटर, इट इज हैविंग 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन क्या है आपके पास, 1 इज द एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन, ईच इज हैविंग 1 एटॉमिक मास. तो ये हो गया ऑल अबाउट हाइड्रोजन. प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है आपको, 16. तो इसको कर लीजिए आप 2 + 16, इट बिकम्स 18. और आपको यूनिट लगानी है यूनिफाइड मास, और ए एंड यू ऑल्सो यू कैन राइट. नाउ CO2, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन, कार्बन का वहां दे रखा है आप टेबल में से देख सकते हो, 12 + 2 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन इज हैविंग 16. तो दोनों एटम्स के बीच में हमने प्लस लगाया, और जितने एटम है उनके बीच में हमने मल्टीप्लाई किया है, 12 + 32, इट बिकम्स 44 यूनिट. और ले लेते हैं हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Cl2, 2 क्लोरीन है, ईच क्लोरीन इज हैविंग 35.5, सो इट बिकम्स 71 यूनिट. उसके बाद हम ले लेते हैं जैसे कि NH3, NH3 इज अमोनिया, क्लोरीन इज अ गैस, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस, क्लोरीन, नाइट्रोजन इज हैविंग 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, ईच इज हैविंग 1, सो इट बिकम्स 17 यूनिट. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास इजीली. सो इसमें हमने क्या किया है, NA2SO4 सोडियम सल्फेट ले रहे हैं हम, थोड़ा बिग मॉलिक्यूल हमने ले लिया है.
तो इसमें क्या है, टू सोडियम, सोडियम इज हैविंग 23 प्लस वन सल्फर है, सल्फर के लिए 32 प्लस फोर ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन इज हैविंग 16। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 2 × 23 इट इज 46 प्लस 32 प्लस 64, सो इट बिकम्स 6 × 8 हो गया आपका, 8 × 4 = 12, देन 7 × 6 = 142 यूनिट। तो इसका मॉलिकुलर मास आपके पास कितना आ गया है, 142 यूनिट। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि MgO मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज 24 प्लस ऑक्सीजन इज हैविंग 16, तो आप इसको टोटल कर लीजिए, इट बिकम्स 40 यूनिट। तो यूनिट लगाना आपको बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप निकाली लें इनका, H2, HCl, Na2O, CaCl2, इन सबका मॉलिक्यूलर मास आप इस टेबल को देखते हुए निकालिएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो हमने आज डिस्कस कर लिया अबाउट द केमिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मासेस, थोड़ा चैप्टर बचा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। सो प्लीज थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।